हेलो नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग स्नैपचैट में किसी भी सॉन्ग के साथ वीडियोस कैसे बना सकते हैं। जैसे यार आपको कोई पर्टिकुलर सॉन्ग पसंद है और आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को स्नैपचैट के अंदर इसके साथ वीडियोस बनानी है, अभी के उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ऐप है, जैसे रील्स हो सकता है, रील्स में आपको वीडियोस अपलोड करनी है, या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन में जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको लिपसिंग की वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन उन ऐप्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फिल्टर्स नहीं होते जितने अच्छे फिल्टर स्नैपचैट में होते हैं। तो एक रीजन ये भी होता है कि हम लोग स्नैपचैट में इसीलिए किसी भी सॉन्ग के साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं सबके, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्नैपचैट में किसी भी सॉन्ग के साथ वीडियोस बना सकते हैं। तो अगर आप लोग स्नैपचैट में किसी भी सॉन्ग के साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और सबसे पहले हम लोगों को स्नैपचैट में चलना होगा, तो यहाँ से मैं स्नैपचैट में आ जाता हूँ और उससे पहले हम लोगों को एक सेटिंग करनी होगी ताकि हम लोग जो भी वीडियो सेव करें वो गैलरी में आए। तो क्या होता है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार वो वीडियोस तो बना लेते हैं उसके बाद क्या होता है उनकी जो वीडियोस है वो गैलरी में नहीं आती, तो उसके लिए हम लोगों को एक सेटिंग करनी होगी। चलिए मैं बताता हूँ वो सेटिंग कैसे करनी है। हम लोगों को प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मेमोरीज वाले ऑप्शन पे आना है और मेमोरीज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक सेव बटन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मेमोरीज एंड कैमरा रोल का ऑप्शन सिलेक्ट होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैमरा रोल ओनली। ठीक है, इस थर्ड वाला एक ऑप्शन है कैमरा रोल ओनली, इस पर हम लोगों को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है सेव बटन में कैमरा रोल ओनली। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोगों को ये करना है कि एक म्यूजिक प्लेयर को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है सबसे पहले। तो म्यूजिक प्लेयर को ओपन करने के बाद हम लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, अब आपको जैसे किसी भी सॉन्ग पे वीडियो बनानी है उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया, अब आपको थोड़ा सा उसको पीछे से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्नैपचैट में आना है। ठीक है, स्नैपचैट में आने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो बनानी है, उससे पहले अगर आपको कोई भी फिल्टर यूज़ करना है तो यहाँ से फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा बढ़िया फिल्टर आ गया है, हम लोगों को इतना ज़्यादा बढ़िया भी फिल्टर यूज़ नहीं करना, तो ये फिल्टर भी नहीं, थोड़ा हम अच्छा सा फिल्टर देखते हैं जो भी आपको लगे। तो यहाँ पे ये फिल्टर कैसा है, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आ गया फिल्टर, ये फिल्टर भी बहुत ज़्यादा, ये फिल्टर मेरे को सही लगता, सबसे फिल्टर यही सही लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे लगते हैं, मतलब ठीक ठाक ही लगते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये फिल्टर सिलेक्ट कर लिया, अब हम लोगों को वीडियोस बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि सॉन्ग को प्ले कर देना है। अब जहाँ से भी हम लोगों को क्या करना है कि वीडियोस बनानी है, अब जैसे कि यहाँ पे डीनो जेम्स की अब वो रैपिंग आएगी, वहाँ से मैं मतलब वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को ऐसा वेट करना है, पहले थोड़ा सा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे को लिपसिंग करनी है। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी, तो जैसे यहाँ पे मैंने 15 सेकंड की बना ली है। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट बन रहा है, यहाँ पे मैं लोकेशन को डिनाई कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ जो बनी हमारी। अब यहाँ पे मैं लिपसिंग कर सकता था चाहता तो, बट मैंने लिपसिंग नहीं करी है। देखिए, तो आप लोगों को जैसे अगर लिपसिंग करनी है इसके साथ में तो आप लिपसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे अगर साउंड वगैरह को आपको कुछ करना है, यहाँ पे टैक्स वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं साउंड को बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे टैक्स वगैरह अगर आपको लिखना है कुछ भी लिख सकते हैं, ऑसम सॉन्ग लिख देता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग भी बता देता हूँ, ऑसम सॉन्ग लिख देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और भी चीज़ें अगर आपको कुछ ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह लगाने जो स्नैपचैट में ही काफ़ी अवेलेबल होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारी वीडियो रेडी है, अब हम लोगों को उसको सेव करना है, तो हमने जो पहले सेटिंग करी थी ना उसी वजह से हमारी ये गैलरी में आएगी। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सेव हो रही है, अभी विद इन अ सेकेंड यहाँ पे सेव हो जाएगी, अभी सेविंग चल रहा है हमारा, तो सेव हो जा भाई जल्दी से ताकि मैं आपको प्ले करके बताऊं। तो ये देखिए वीडियो सेव हो गई है, अब मैं आपको पहले गैलरी में ले चल के बताता हूं। तो गैलरी हमारी कहां है, ये रही हमारी गैलरी, और गैलरी में चलने के बाद देखिए यहां पे हम लोगों को वीडियोस में आना है, और ये रही जो वीडियो हमने वहां पे शूट करी थी, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुकी है, विद सॉन्ग आ चुकी है। अब इस वीडियो को आप जहाँ चाहें वहाँ अपलोड कर सकते हैं अच्छे खासे फिल्टर को यूज़ करके। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग किस तरीके से स्नैपचैट में किसी भी सॉन्ग के साथ वीडियोस कैसे बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप लोग फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिस ना करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।